नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूरिशी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। मैं पेपर टू का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूरिशी नेट क्वालिफाइड है मेरा और बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था। एम ए मास्टर्स मैंने किया था ज्योग्राफी के अंदर। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं KBEDU कुमार भरत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑल राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आपके वीडियोस नहीं दिखते हैं तो हाउ टू फाइंड माई वीडियोस। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो जब आप यहाँ टैप करेंगे तो यहाँ टैप करने के बाद आप इस चैनल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। होम पेज पर पहुंचने के बाद आपको दोस्तों बहुत सारे टैब्स दिखेंगे, जैसे वीडियो का है, प्लेलिस्ट का है, कम्युनिटी का है। तो आपको प्लेलिस्ट टैब पर जाना है। प्लेलिस्ट टैब पर जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट पेज मिलेगा इस यूट्यूब चैनल का, जहां पे आपको सारे कोर्सेस प्लेलिस्ट वाइज स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर दिखेंगे। तो आपको यहाँ पर मेरा कोर्स भी दिख जाएगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी एंटी यूजीसी रैंक। तो आपको करना क्या है, यहाँ टैप करना है, उसके बाद यहाँ टैप करना है प्लेलिस्ट पे और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्लेलिस्ट पेज पर। यहाँ पे आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा। अब बात करते हैं इस कोर्स के बारे में, ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये कोर्स स्पेसिफिकली यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुजियास्ट इस कोर्स को देख सकता है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपको ज्योग्राफी आती है तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं। कंफ्यूजन क्लियर करता हूं कि ये कोर्स किन मीडियम के लिए बनाया गया है। तो ये कोर्स दोनों ही मीडियम के लिए बनाया गया है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इस कोर्स को देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। इस कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा और मैं जो लैंग्वेज यूज करूंगा वो होगी इंग्लिश लैंग्वेज, और जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे ज्योग्राफी के वो इंग्लिश के यूज करेंगे। इसके अलावा जो आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी पे आके, तो आपको वो बहुत हिंदी एंड इंग्लिश में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट क्वेश्चन चैनल पे मिलेगा और कोशिश रहेगी कि मैं यहां पर भी डालूं। ठीक है, ये है हमारी टीम जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो रात दिन लगे हुए हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। मेरा कोर्स जो है वो आपको 8 बजे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कॉमर्स का, हिस्ट्री का, पेपर वन का और पेपर टू के, पेपर वन के आपके 2 ट्रेनर्स हैं, भरत सर भी है, ज्योति मैम भी है। इसके अलावा हिस्ट्री का है आपके पास रिंकू मैम और कॉमर्स के सोनम मैम है और मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ 8 बजे हर रोज। तो आपको अपना टाइम डिसाइड करना है और हर रोज यहाँ पे आना है। ठीक है, अब बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप इससे जुड़ते हैं, यहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हैं किसी कोर्स को, तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। पहला फायदा यह है कि आपको रोज डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, यानी कि आप रोज अपने ट्रेनर से इंटरेक्ट करेंगे, आप एक शेड्यूल बनेगा पढ़ने का और आप लाइव डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब सारी चीजें एक जगह पर प्लेलिस्ट वाइज और इवन ऐप पर भी, लर्निंग ऐप पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी लर्निंग को एवेलुएट करने के लिए यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विज है जो आपको बताएंगे आप कितने पानी में, आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है, और ये सारी चीजें आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगी, यानी कि आप अनलिमिटेड टाइम से सारी चीजें देख सकते हैं। इवन इफ आप लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स दिखते हैं, इन सब के नाम आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। कॉमर्स का चल रहा है मैनेजमेंट ज्योग्राफी, और इसके आने वाले समय में आपको और भी कोर्सेस मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्दे की कि अनअकैडमी को कैसे सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या iOS पे, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करना है। लेट सपोज इट इज एनटीए यूजीसी नेट, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप जाइए 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट लॉजिकल है दोस्तों। कोर्स बहुत बड़ा है, 10 यूनिट्स है, छोटे मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे कोर्स कवरेज। इसके अलावा साल में 2 बार ही एग्जाम हो रहा है, तो आपके पास पूरा चांस है कि आप ना सिर्फ JRF और ना सिर्फ नेट, लेकिन आप JRF भी निकालें। JRF की पोस्ट थोड़ी कम होती है, प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए, लेट स्टडी चाहिए, इसलिए एक बड़ा ड्यूरेशन का कोर्स लीजिए ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वो भी बचे, आपकी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर चलती रहे, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल का ले लें, तो 1 महीने की फीस देकर आप 2 साल में जा सकते हैं। इसमें आपको एक 10% डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंट अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SMNET, जिससे आपकी जो फी है वो हो जाएगी 11,340 फॉर 2 ईयर्स और मंथली फी हो गई है 472 रुपीज। तो उसका आप ध्यान रखें, ये आपको सब चीज़ 472 रुपये में मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज का वीडियो जो है वो है फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स के बारे में, व्हाट इज फोल्ड एंड व्हाट इज फॉल्ट, और उसके आज हम टाइप पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और हम क्यों पढ़ रहे हैं फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के नीचे काम करते हैं और ये अर्थ बिल्डिंग फोर्सेस होते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के ऊपर काम करते हैं और ये डिस्ट्रॉइंग फोर्सेस होते हैं, यानी कि लेवलिंग करते हैं। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस 2 भागों में डिवाइड है, स्लो मूवमेंट, सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट वो होते हैं जो एकाएक होते हैं, जिसके अंदर वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स आते हैं, और स्लो मूवमेंट को हम डायस्ट्रोपिज्म कहते हैं, जिसके अंदर 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, एपिरोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस,
ओरोजेनेटिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। ओरोजेनेटिक के अंदर हमने देखा था फिर कि ओरोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो दो भागों में डिवाइड है, टेंशनल फोर्सेस एंड कंप्रेशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस वो होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, जिसके वजह से क्रस्टल फ्रैक्चर होता है। ये क्रस्टल फ्रैक्चर का आप पिक देख सकते हैं। कंप्रेशनल फोर्सेस वो होते हैं जिसमें क्रस्टल बेंडिंग होती है, यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ काम करते हैं, जिसकी वजह से बेंड्स देखने को मिलते हैं। और बेंडिंग होती है दो तरह की, रैपिंग एंड फोल्डिंग। ये आप देख सकते हैं एक बेंडिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने देखा था अभी तक कि क्या क्या हुआ है अभी तक, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर टेंशनल फोर्सेस से क्रस्टल फ्रैक्चर होते हैं, यानी कि टेंशनल फोर्सेस वो जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, अगर उससे क्रस्टल फ्रैक्चर हो रहे हैं तो वो क्या क्या है। क्रस्टल फ्रैक्चर होते हैं फॉल्ट्स या क्रैकिंग। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स और फोल्ड भी, यानी कि कंप्रेशनल फोर्सेस जो साथ में काम कर रहे हैं, एक सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उससे अगर क्रस्टल बेंडिंग होती है तो वो क्या क्या है। वो है रैपिंग एंड फोल्ड, जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे फोल्ड की बात करें तो वो होते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल, रिकम्बेंट, ओवर थ्रस्ट, आइसोक्लाइनल, मोनोक्लाइनल और अलग अलग टाइप के होते हैं। नेप भी इसके अंदर आता है। इसी तरह से जो फॉल्ट्स हैं वो भी दो टाइप, बहुत सारी होती है, इसको हम देखेंगे। जैसे नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, हॉस्ट, ग्रेबन या रिफ्ट वैली, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अभी तक हमने एक क्विक रिकैप लिया है, ठीक है। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं टेंशनल फोर्सेस के अंदर आने वाले क्रस्टल फ्रैक्चर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्रस्टल फ्रैक्चर होते हैं टेंशनल फोर्सेस की वजह से, यानी कि जब क्रस्ट पे टेंशन पड़ती है, टेंशन पड़ती है जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों कि चाहे क्रस्टल फ्रैक्चर हो चाहे क्रस्टल बेंडिंग हो, ये दोनों चीजें रॉक्स के नेचर पर डिपेंड करती हैं। रॉक्स अगर सॉफ्ट है तो वहां पे फोल्डिंग एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। रॉक्स अगर हार्ड है, ठीक है, अगर वो इंटेंस है, थोड़ी सी हार्ड है, तो वहां पे आपको फोल्डिंग एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ये बार आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो क्रैक क्या होता है, ठीक है। क्रैक बेसिकली होता है एक मॉडरेट टेंशनल फोर्स की वजह से जब अर्थ में एक दरार आती है क्रस्ट पे, तो उसे हम क्रैक कहते हैं, ठीक है। और क्रैक्स हमेशा हमेशा आपको मॉडरेट टेंशनल फोर्सेस की वजह से देखने को मिलेंगे। फॉल्ट्स जो होते हैं, जो हमने देखा फ्रैक्चर के अंदर क्रैक्स एंड फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स हमेशा आपको इंटेंस टेंशनल फोर्सेस की वजह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब फॉल्ट जो है दोस्तों वो दो भागों में डिवाइड हैं, जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स। जॉइंट्स और फॉल्ट्स के अंदर क्या डिफरेंस है, जब भी टेंशनल फोर्सेस की वजह से इंटेंस टेंशनल फोर्सेस की वजह से अर्थ क्रस्ट में एक दरार आती है, लेकिन वहां पर रॉक्स के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि देयर इज नो अप्रिशिएबल मूवमेंट ऑफ द रॉक्स, उसको हम कहते हैं जॉइंट्स, ठीक है। फॉल्ट इसका जस्ट अपोजिट है। जब भी टेंशनल फोर्सेस, यानी कि इंटेंस टेंशनल फोर्सेस की वजह से रॉक्स में दरार तो आ रही है, लेकिन वहां पर आपको एक अप्रिशिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स भी देखने को मिल रहा है, तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं। यानी कि मुद्दे की बात यह है, टेंशनल फोर्सेस की वजह से जब क्रैक होते हैं और क्रैक होने की वजह से पत्थर और चट्टान अपनी जगह छोड़ देते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं, उसको फॉल्ट कहा जाता है। जब वो डिसलोकेट नहीं हो रहे थे, वो सिंपल एक क्रैक है। ये बार आपको ध्यान रखना है। अब इसकी एक मजे की बात यह है कि जहां से वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, यानी कि एक ब्लॉक था जिसको मैं आगे दिखाऊंगा आपको, यानी कि एक रॉक ब्लॉक था, वहां पर टेंशनल फोर्स लगा, टेंशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, वहां पर रॉक ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हुए, उन पे फ्रैक्चर देखने को मिला, फॉल्ट देखने को मिला। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जब चट्टाने खिसक जाती है तो वो किसी सरफेस पर खिसकती है, उस सरफेस को कहा जाता है फॉल्ट प्लेन, जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फॉल्ट क्या है दोस्तों, फॉल्ट बेसिकली इंटेंस टेंशनल फोर्सेस जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट की वजह से होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस टेंशनल फोर्सेस की वजह से दरार आती है, दरार की वजह से रॉक ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं फॉल्ट्स। और जिस सरफेस पे ये मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वो सरफेस जहां से वो रॉक खिसक रही है, वो सरफेस को हम कहते हैं फॉल्ट प्लेन, ठीक है। फॉल्ट प्लेन या तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, या वो कर्व्ड हो सकती है, या वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। यहां से आपसे क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो वर्टिकल भी हो सकती है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड कैसे भी हो सकती है। अब आप ये डायग्राम देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये है एक अनफॉल्टेड ब्लॉक, यानी कि यहाँ पे फॉल्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई है। जब टेंशनल फोर्स लगेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फॉल्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और ये जो है कुछ इस तरह का जो डार्क ग्रीन है ये कलर, इसको हम सियान कलर बोलते हैं। जब ये ब्लॉक जो है जब वो नीचे की तरफ गया, उसको हम कहते हैं फॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। अभी ये अनफॉल्टेड था, ठीक है, यहाँ से ये इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये खिसक के नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो ये होता है एक फॉल्ट, ठीक है। जब ये दरार, अगर सिर्फ यहाँ पे एक दरार पड़ती तो उसको हम कहेंगे जॉइंट्स, लेकिन दरार पड़ने के बाद जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिसलोकेशन हुआ रॉक का, रॉक ब्लॉक्स का, तो उसको हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो सर्फेस आप देख रहे हैं, ये जो सर्फेस है, इस सर्फेस के थ्रू तो नीचे गया है फिसल के, तो ये सर्फेस को कहा जाता है फॉल्ट प्लेन।
ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो फॉल्ट प्लेन वर्टिकल भी हो सकती है अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इंक्लाइंड भी हो सकती है, इंक्लाइंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कर्व कैसा भी फॉर्म हो सकता है, यानी कि वो सर्फेस जहां पर रॉक्स खिसक रही है उसको कहा जाता है फॉल्ट प्लेन। ये बार आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ये डायग्राम क्लियर है आपको? अब बढ़ते हैं कि भाई एक आइडियल फॉल्ट के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है? कौन कौन सी टर्म्स है उसको हम देखेंगे कि एक आइडियल फॉल्टिंग एक्टिविटी किसी ब्लॉक के अंदर होती है तो वहां पे कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, जहां से क्वेश्चन हर बार आता है। तो पहला टर्म तो है फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन क्या है? वो सर्फेस जहां से रॉक खिसक रही है, यानी कि वो सर्फेस जिसके ऊपर रॉक ब्लॉक्स है और वो जो खिसक रही है उस सर्फेस को हम कहते हैं फॉल्ट प्लेन। ये बार आपको ध्यान रखनी है। और ये फॉल्ट प्लेन वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। इसके बाद आता है फॉल्ट डिप, ठीक है? यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिप एंड स्ट्राइप से क्वेश्चन हमेशा आता है, मैंने देखा है। तो डिप बेसिकली क्या है दोस्तों? जब भी रॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, रॉक जब नीचे की तरफ आ रही है, मान लीजिए ये एक रॉक ब्लॉक है और यहां पर रॉक्स नीचे की तरफ आई, यहां पर एक फॉल्टिंग एक्टिविटी हुई, तो इस फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से एक इंक्लाइंड रॉक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो इंक्लाइंड रॉक स्ट्रक्चर है अलोंग द फॉल्ट प्लेन, इसको हम कहते हैं डिप, ठीक है? ये जो डिप है हमेशा हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्रक्चर के ऊपर गिरता है आके, ठीक है? ठीक है, इसीलिए इसका हमेशा एक एंगल होता है। तो डिप बेसिकली क्या है? एंगल बिटवीन द फॉल्ट प्लेन, ये फॉल्ट प्लेन है, ठीक है, यहां से रॉक खिसकी है, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये फॉल्ट प्लेन है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और फॉल्ट प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम डिप एंगल कहते हैं। और डिप क्या है? एक इंक्लाइंड रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां से रॉक स्लिप हुई है। ये बार आपको ध्यान रखनी है। अब है अपथ्रोन साइड। अपथ्रोन साइड, हाँ, एक के अंदर मैंने स्ट्राइक नहीं बताया, तो डिप का तो आपको पता पड़ेगा कि डिप क्या है, एक इंक्लाइंड रॉक स्ट्रक्चर है, और डिप जहां पर गिर रहा है, जिस हॉरिजॉन्टल रॉक पे वो गिर रहा है उसको हम स्ट्राइक कहते हैं। ये बार आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो इसको मैं डिफरेंस आपको बताता हूं कि डिप का आपको हमेशा एंगल देखने को मिलेगा और स्ट्राइक की हमेशा डायरेक्शंस होती है। यहाँ पे दिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, स्ट्राइक जो है वो ईस्ट वेस्ट होता है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, डिप जो होता है वो इंक्लाइंड होता है इसलिए इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो ये डिप हो गया और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका ये एक इंक्लाइंड एंगल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये एक फिसल पट्टी नुमा जो रॉक बेड्स होती है उसको हम डिप कहते हैं, और जिस पर वो गिरती है, जिस हॉरिजॉन्टल बेड पे वो जाके गिरती है, हॉरिजॉन्टल रॉक बेड पे जाके वो गिरती है, उसको हम स्ट्राइक कहते हैं। स्ट्राइक की हमेशा डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट वेस्ट, और डिप का हमेशा एंगल होता है, नॉर्मली ये 60-40 के बीच में देखा जाता है, ठीक है? अब है अपथ्रोन साइड। किसी भी अनफोल्डेड रॉक ब्लॉक्स, ये है अनफोल्डेड रॉक ब्लॉक्स, जब इसके अंदर फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है तो इसका जो अपर मोस्ट रॉक ब्लॉक होता है उसको हम कहते हैं अपथ्रोन साइड। ये पहले रॉक ब्लॉक यहां था, ये फॉल्ट प्लेन से नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहां पे डिप बना, ये स्ट्राइक हो गया, आप देख सकते हैं, इसको मैं फिर से इरेज करके बताता हूं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर एक फॉल्टिंग एक्टिविटी देखने को मिली है, रॉक्स जो है वो नीचे की तरफ ऐसे खिसकी है। तो ये बना है आपका फॉल्ट प्लेन और ये है आपका डिप, और ये जो हॉरिजॉन्टल है रॉक बेड, ये हमारा स्ट्राइक है। तो इस ब्लॉक के अंदर, इस फॉल्टेड रॉक ब्लॉक के अंदर, जिसकी जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसको हम अपथ्रोन साइड कहते हैं, और इसका जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है इसको हम डाउन थ्रोन साइड कहते हैं। ये डाउन थ्रोन साइड है इसकी, ये बार आपको ध्यान रखनी है, ये जो है इसकी डाउन थ्रोन साइड है, ठीक है। एक इसके अंदर आता है हैंगिंग वॉल और एक फुट वॉल। जब भी फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है तो जो ऊपर वाली वॉल होती है उसको हम हैंगिंग वॉल कहते हैं क्योंकि उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, और जो नीचे वाली वॉल होती है उसको हम फुटबॉल कहते हैं। ये बार आपको ध्यान रखनी है, यहां से जो है वो एक फॉल्टिंग एक्टिविटी हुई है, रॉक यहां से खिसक के नीचे की तरफ गई है, ये है ये ऊपर वाली वॉल जिसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है, और ये है फुटबॉल, ये हैंगिंग वॉल है और ये फुटबॉल है। ये बार आपको ध्यान रखनी है, यहां पर भी आप देख सकते हैं ये तो होगी हैंगिंग वॉल क्योंकि ये रॉक ब्लॉक कहीं यहां पर थी, कहीं इस जगह ये मौजूद थी, ठीक है। इसमें एक फॉल्टिंग एक्टिविटी हुई और ये नीचे की तरफ चली गई, डिस्प्लेसमेंट हुआ रॉक्स का, तो ये जो ये वाली वॉल है ये हैंगिंग वॉल है क्योंकि हवा में है, और ये जो है वो फुटबॉल है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी है नीचे वाली वॉल। ये बार आपको ध्यान रखनी है। डिप आपको समझ में आ गया, डिप जो है बेसिकली इंक्लाइंड रॉक्स रॉक बेड्स को कहा जाता है, और स्ट्राइक होती है हॉरिजॉन्टल रॉक बेड्स। एग्जाम में क्वेश्चन मैंने देखा है कि व्हाट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा। इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा के लिए हमेशा डिप यूज होगा, और व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल रॉक बेड्स, उसको हम कहते हैं स्ट्राइक, इसको हम कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि डिप जो है वो जिस हॉरिजॉन्टल रॉक ब्लॉक्स पे गिरते हैं उस हॉरिजॉन्टल रॉक ब्लॉक्स का नाम क्या है, आंसर इज स्ट्राइक। ये बार आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक और एक टर्म है फॉल्ट स्कार। फॉल्ट स्कार मतलब जब फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से एक फिसल पट्टी नुमा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, ये स्लोपी सर्फेस जो होता है इसको हम फॉल्ट स्कार कहते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉल्ट प्लेन जो है वो तो वो सर्फेस है, वो तो वो सतह है जहां से चट्टान खिसक गई है, और वही जो हॉरिजॉन्टल जो रॉक बेड्स होती हैं उसको हम डिप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रॉक बेड जिस सर्फेस पे जाके गिर रही है, ठीक है, उसको हम स्ट्राइक कहते हैं, और उस
अनफॉल्टेड फॉल्टेड रॉक ब्लॉक्स का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं अप थ्रोन साइट, और इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं डाउन थ्रोन साइट। ये बार आपको ध्यान रखते हैं, डिप का हमेशा एंगल होता है, आप देख सकते हैं एंगल होता है हमेशा फॉल्ट प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में। ये फॉल्ट प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम डिप एंगल कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, डिप एंगल जो होता है वो किन दोनों के बीच में मेजर किया जाता है, वो हमेशा फॉल्ट प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल रॉक प्लेन्स के बीच में होता है। ये डायग्राम आप देख लिए, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिप एंड स्ट्राइक क्या है, हैंगिंग वॉल क्या है। हैंगिंग वॉल जो है फॉल्टिंग एक्टिविटी होने के बाद जो रॉक ब्लॉक्स ऊपर वाली होती है वो हैंगिंग वॉल होती है, और जो नीचे वाली होती है वो फुट वॉल होती है। ये बार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ये भी हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में। तो फॉल्ट जो है दोस्तों वो दो तरह के मूवमेंट से होता है, एक होता है डिप स्लिप मूवमेंट और एक होता है स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। डिप स्लिप मूवमेंट मतलब जब फॉल्टिंग यानी कि जब चट्टानें खिसक रही हैं अलोंग द टिप, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जब खिसक रही हैं या ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसे हम कहते हैं डिप स्लिप मूवमेंट। डिप से स्लिप हो गई रॉक्स, डिप स्लिप मूवमेंट। और दूसरा होता है स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट, यानी कि जब रॉक्स का डिस्प्लेसमेंट यानी कि चट्टानों का खिसकना स्ट्राइक के थ्रू हो रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में हो रहा है, या हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली या स्ट्राइक की तरफ हो रहा है, उसको हम कहेंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। यानी कि ये दो तरह से हुए, आप देखेंगे ये तो हो गया डिप और ये हो गया स्ट्राइक्स। जब रॉक्स का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है या इस तरह से हो रहा है तो ये तो बना डिप, और रॉक्स का मूवमेंट अगर इस तरह से हो रहा है अलोंग द स्ट्राइक हो रहा है तो वो कहलाएगा स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट। दो तरह के मूवमेंट हो गए। अब इन्हीं को सब डिवाइड करेंगे हम दोनों के अंदर। डिप स्लिप मूवमेंट है उनके दो पार्ट्स हैं, नॉर्मल फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट, ठीक है। डिप स्लिप मूवमेंट वो होता है जब चट्टानों का खिसकना अलोंग द डिप हो रहा है, ठीक है, तो वो दो है रिवर्स फॉल्ट एंड नॉर्मल फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट और नॉर्मल फॉल्ट, इसके डायग्राम आप देखेंगे, जब भी फॉल्टिंग एक्टिविटी होती है तो अगर चट्टानें खिसक रही हैं इस तरह से कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, और डाउन द डिप मूवमेंट अगर जहां हमें देखने को मिलता है, जब भी फॉल्टिंग एक्टिविटी में डाउन द डिप मूवमेंट हमें देखने को मिलता है तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल फॉल्ट। ये देखिए ये एक फॉल्ट था, ठीक है, ए, ठीक है। अब जी यहां से ये खिसक गया नीचे की तरफ, तो देखेंगे नीचे की तरफ आ गया, यानी कि डाउन द डिप मूवमेंट जहां होगा वो होंगे नॉर्मल फॉल्ट्स, और जहां भी अप द डिप मूवमेंट होगा, यानी कि ये देखिए अप द डिप मूवमेंट हुआ है और दोनों ही रॉक ब्लॉक सेम डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है, यहां पे तो अपोजिट है, ये फुटबॉल यहां रह गई, हैंगिंग वॉल नीचे आ गई, अभी दोनों फुटबॉल भी ऊपर है और हैंगिंग वॉल भी ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। जिस रॉक ब्लॉक के अंदर डाउन द डिप मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉल्ट, और जिस रॉक ब्लॉक्स के अंदर अप द डिप मूवमेंट होता है फॉल्टिंग की वजह से उसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट का जो होता है एंगल जो होता है वो हमेशा 45 डिग्री या ऑलमोस्ट वर्टिकल हो सकता है, और रिवर्स फॉल्ट का जो एंगल होता है वो 40 डिग्री या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इवन आपसे एग्जाम के अंदर अगर डायग्राम भी आ गया और आपको आइडेंटिफाई करने को कहा गया कि कौन सा नॉर्मल फॉल्ट है और कौन सा रिवर्स फॉल्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ डाउन द डिप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक अप द डिप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल और रिवर्स फॉल्ट में ये फर्क है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स के बारे में। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट मैंने बताया, अगर स्ट्राइक यानी कि स्ट्राइक के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, तो वो कहलाएंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स। और ये दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट सिनिस्ट्रियल फॉल्ट्स या राइट डेक्स्ट्रल फॉल्ट्स। एग्जाम में आपके लेफ्ट राइट नहीं पूछा जाएगा, सिनिस्ट्रियल और डेक्स्ट्रल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक अनफॉल्टेड रॉक स्ट्रक्चर है और आप जो है वो यहां खड़े हुए हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में आप खड़े हुए हैं, आपके सामने जो ब्लॉक है वो है इसका फ्रंट साइड और ये जो साइड है ये इसका है बैक साइड। तो स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट जब हम देखते हैं तो वो हमेशा हम बैक साइड की वॉल के रेफरेंस में देखते हैं। फिर से सुनिएगा, जब भी हम स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं तो वो हमेशा हम बैक साइड वाली जो रॉक ब्लॉक होती है उससे देखते हैं। ये इसका बैक साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है, अगर आप यहां खड़े हुए हैं तो, ठीक है, ये है फ्रंट साइड बैक साइड है। तो फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से, टेंशनल फोर्सेस की वजह से अगर इस तरह का मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि बैक साइड जो ब्लॉक है उसके लेफ्ट वर्ड जो है वो फ्रंट वॉल चली गई, तो वो होगा लेफ्ट लेटरल सिनिस्ट्रियल। मैं फिर से बोलता हूँ, फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से बैक साइड जो वॉल, बैक साइड जो रॉक ब्लॉक है उसके लेफ्ट साइड में फ्रंट वॉल चली गई, लेफ्ट साइड मूवमेंट देखने को मिला। तो देखेंगे ये आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये इसकी बैक वॉल है, ये इसकी फ्रंट वॉल है, और ये मूवमेंट इस तरह से हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े हुए तो ये आपका लेफ्ट है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट सिनिस्ट्रियल फॉल्ट्स, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, जब आप यहां खड़े हैं, ये तो इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है, बैक साइड के रेफरेंस में अगर मूवमेंट राइट साइड हो गया तो उसको हम कहेंगे राइट डेक्स्ट्रल फॉल्ट। बैक साइड के रेफरेंस में मूवमेंट अगर लेफ्ट साइड हो गया
तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट सिनिस्ट्रियल, अगर राइट साइड हो गया तो वो राइट डेक्सट्रल। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा जो देखा जाता है वो बैक रॉक ब्लॉक है, जो पीछे वाली जो रॉक ब्लॉक है उसके रेफरेंस में देखा जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसको स्ट्राइक स्लिप इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि अलोंग द स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। ये तो होता है डिप, ये होता है स्ट्राइक, तो अब जो मूवमेंट हो रहा है वो अलोंग द स्ट्राइक हो रहा है। इससे पहले मूवमेंट अप डाउन हो रहा था, तो अप डाउन मूवमेंट जो होंगे वो होंगे नॉर्मल और रिवर्स, और जो लेफ्ट राइट मूवमेंट होंगे वो हमेशा होंगे हमारे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, यानी कि सिनिस्ट्रियल एंड डायस्ट्रल फॉल्ट्स। इज दैट क्लियर? हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है ओवर थ्रस्ट फॉल्ट और एक स्टेप फॉल्ट। ओवर थ्रस्ट फॉल्ट जो है दोस्तों वो एक अपवाद है जिसको हम एक्सेप्शन भी कहते हैं। ये बेसिकली फोल्डिंग एंड फोल्डिंग एक्टिविटी का मिक्सचर है, ठीक है। ये एक अनफॉल्टेड रॉक स्ट्रक्चर है जहां पर आपको पहले फोल्डिंग देखने को मिलेगी, इस तरह से फोर्ट्स बनेंगे। फोर्ट्स बनते बनते यहां पर कंप्रेशनल फोर्स और टेंशनल फोर्स दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब एक रॉक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को ओवरराइड कर देगा। ये रॉक ब्लॉक था, फोल्डिंग की वजह से इसने इसको ओवरराइड कर दिया, और फिर यहां पे एक फॉल्टिंग एक्टिविटी हुई, एक दरार आ गई यहां पर, तो फिर ये बना ओवर थ्रस्ट फॉल्ट, यानी कि एक ऐसा फॉल्ट जहां पर एक रॉक ब्लॉक दूसरे रॉक ब्लॉक को ओवरराइड कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से दोनों कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गए, तो उसको ओवर थ्रस्ट फॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। स्टेप फॉल्ट क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी एक अनफॉल्टेड रॉक के, अनफॉल्टेड रॉक मतलब जहां पर फॉल्टिंग एक्टिविटी अभी नहीं हुई है, तो अनफॉल्टेड रॉक ब्लॉक के अंदर जब सीरीज ऑफ फॉल्ट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फॉल्टिंग एक्टिविटी हो रही है, और उसका कारण यह है कि फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से उन सबके स्लोप्स एक डायरेक्शन में है, तो उसको हम स्टेप फॉल्ट कहते हैं। देखेंगे ये फॉल्ट प्लेन का डायरेक्शन, ये फॉल्ट प्लेन का डायरेक्शन, ये फॉल्ट प्लेन का डायरेक्शन, दोनों ही सारे जो है वो तीनों एक डायरेक्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह के फॉल्टिंग एक्टिविटी को हम कहते हैं स्टेप फॉल्ट, जिसमें डायरेक्शन जो होते हैं फॉल्ट प्लेन के वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये इसका बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफिकेशन है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि नेम द फॉल्ट इन विच ऑल द फॉल्ट प्लेन्स आर स्लोपिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि एक ऐसा फॉल्ट बताइए जिसमें सारे फॉल्ट प्लेन एक ही डायरेक्शन में स्लोप कर रहे हैं, तो वो कौन सा फॉल्ट है? वो ओवर थ्रस्ट है, नॉर्मल है, रिवर्स है, स्ट्राइक स्लिप है, कौन सा है? स्टेप फॉल्ट है वो, ये बार आपको ध्यान रखना, क्लियर। अब हम बात करते हैं रिफ्ट वैली एंड ग्रैबन के बारे में। रिफ्ट वैली एंड ग्रैबन दोनों ही मतलब एक ही टर्म है, रिफ्ट वैली बड़ा भाई है, ग्रैबन छोटा भाई है, ठीक है दोनों सेम चीज। ये बेसिकली देखने को मिलता है नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी में। मान लीजिए ये एक अनफॉल्टेड रॉक ब्लॉक है और ये फॉल्ट प्लेन है, आप देख सकते हैं रेड रेड, ठीक है। जब भी नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी होगी, यानी कि डाउन द डिप मूवमेंट जब भी होगा, उससे क्या होगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो नीचे चला गया, देख सकते हैं आप। तो नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से जब तीन रॉक ब्लॉक्स थे 1, 2 और 3, जिसमें से बीच वाला नीचे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन बना यहां पर, उसको कहते हैं रिफ्ट वैली। और ये जो दो रॉक स्टेबल रह गए इसको हम कहते हैं हॉर्स्ट, ठीक है। फिर से बताता हूं, फॉल्टिंग एक्टिविटी की वजह से जब किसी रॉक ब्लॉक में उसका बीच वाला पोर्शन नीचे की तरफ चला गया, तो वो बनता है रिफ्ट वैली या ग्रैबन। रिफ्ट वैली डेंस, थोड़ी सी गहरी होती है, और जो ग्रैबन है वो थोड़ा सा कम गहरा होता है, यानी कि शैलो होता है, ठीक है। और जो अपस्टैंडिंग पार्ट रह गए, यानी कि जो स्टेबल पार्ट रह गए, ये जो स्टेबल रिमेन स्टेबल वाले जो पार्ट है, उनको हम कहते हैं हॉर्स्ट, ठीक है। जो नीचे चला गया, जो डिप्रेशन बना रहा है मिडिल पोर्शन, उसे हम कहते हैं रिफ्ट वैली या ग्रैबन। इतना सिंपल है ये। रिफ्ट वैली हमेशा एसोसिएटेड है फॉल्टिंग एक्टिविटीज से, और वो भी नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटीज से, जहां पर डाउन द डिप मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ये बार आपको ध्यान रखना, क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। इसके एग्जाम्पल देखें, नर्मदा वैली एक एग्जाम्पल है, दामोदर वैली भी इसका एक एग्जाम्पल है, सोन वैली और तापी वैली भी इसके एग्जाम्पल है, तो ये बार आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये हॉर्स का डायग्राम है, ये ग्रैबन का डायग्राम है। ग्रैबन जो होता है थोड़ा सा शैलो होता है, रिफ्ट वैली जो होती है वो थोड़ी सी डेंस, थोड़ी सी डेप्थ में होती है, और ये आप देख रहे हैं एक नॉर्मल फॉल्टिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, डाउन द डिप मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फोल्ड्स के बारे में। हम फोल्ड्स जानते हैं, फोल्ड किससे बना था? फोल्ड बनता है कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से, यानी कि जब फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे तो उससे होगी क्रिस्टल बेंडिंग। और बेंडिंग दो तरह की होती है, रैपिंग एंड फोल्डिंग। रैपिंग होती है अप रैपिंग, डाउन रैपिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले वीडियो के अंदर। जब बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल एरिया के अंदर एक लैंडमास अप रैप हो रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ एक वेव स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको हम अप रैपिंग कहते हैं। और अगर बहुत बड़े कॉन्टिनेंटल एरिया के अंदर जो डाउन रैपिंग हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक डाउन रैप बन रहा है, तो उसे हम डाउन रैपिंग कहते हैं। इसी का ही छोटा भाई है फोल्ड्स, ठीक है। तो फोल्ड क्या है? मैकेनिज्म ऑफ जस्ट होल्ड ऑन, यस, मैकेनिज्म ऑफ बकलिंग स्क्वीजिंग ऑफ क्रिस्टल रॉक्स जो होते हैं, जब रॉक जो होती है उनकी बकलिंग होती है, उनकी स्क्वीजिंग होती है कंप्रेशनल फोर्सेस से, तो उससे फोल्ड्स बनते हैं। फोल्ड्स बेसिकली क्या है? एक वेव लाइक बैंड है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये डायग्राम आप देखेंगे, एक वेव स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे एक वेव लाइक बैंड जो बनता है उसको हम फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। फोल्डिंग भी
रॉक्स के नेचर पे डिपेंड करती है, रॉक्स कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, क्या कॉम्पोजिशन है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर मैटर करती है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फॉल्ट के अंदर कुछ टर्म्स पढ़े, जैसे हमने पढ़ा फॉल्ट प्लेन, फिर हमने पढ़ा डिप, फिर हमने पढ़ा स्ट्राइक, फिर हमने पढ़ा हैंगिंग वॉल, अब थ्रस्ट वॉल, इस तरह से फॉल्ट्स के अंदर भी कुछ टर्म्स हमें देखेंगे। जैसे पहला टर्म है एंटीक्लाइन। ठीक है, एंटीक्लाइन क्या है दोस्तों? एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन बेसिकली जब फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से ये एक ऊपर को वाला जो वेव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं उसे हम एंटीक्लाइन कहते हैं, और जब ये एक नीचे की तरफ जाके एक ट्रफ बनाता है तो उसे हम सिंक्लाइन कहते हैं। यानी कि जब भी फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से रॉक बेड्स जो हैं वो एक वेव लाइक पैटर्न बनाती हैं, जिसकी वजह से एक क्रेस्ट नुमा स्ट्रक्चर बनता है, एक पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम कहेंगे एंटीक्लाइन। और जब ये एक डिप्रेशन बनाता है इसको हम कहेंगे सिंक्लाइन। ये सिंक्लाइन है, आप देख सकते हैं ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। और ये जो होते हैं दोस्तों, ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये जो है ये है डिप, जो इस फोल्ड के हाथ कहलाते हैं, लिम्फ भी बोलते हैं इसको। तो लिम्फ बेसिकली क्या है? टू साइड्स ऑफ द फोल्ड, टू साइड्स, वन टू, दोनों हाथ जो होते हैं किसी फोल्ड के उसको हम लिम्फ कहते हैं। और जो मिडिल लिम्ब क्या होता है? मिडिल लिम्ब वो होता है जो शेयर करता है, मिडिल लिम्ब जो होता है वो एंटीक्लाइन को भी दे रहा है और सिंक्लाइन को भी कह रहा है। मिडिल लिम्ब मतलब द लिम्ब विच इज शेयर्ड बिटवीन एन एंटीक्लाइन एंड एन कंपेनियन सिंक्लाइन। इज दैट क्लियर? फोल्डिंग एक्टिविटी जब होती है, तो जब फोल्डिंग एक्टिविटी की वजह से रॉक बेड्स ऊपर की तरफ फोल्ड हो रही है और एक क्रस्ट नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे एंटीक्लाइन। जब एक डिप्रेशन जैसा, एक ट्रफ जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहेंगे सिंक्लाइन। ठीक है, अब इस एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के हाथ होते हैं जिसको हम लिम्ब कहते हैं। ठीक है, और मिडिल लिम्ब वो होता है जो दोनों के बीच में शेयर किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ डिप एंड स्ट्राइक आप जानते हैं, जिसको मैंने अभी अभी बताया है फॉल्ट्स के अंदर। ठीक है, डिप क्या है? डिप एक इंक्लाइंड रॉक स्ट्रक्चर है जो स्ट्राइक के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, इंक्लाइंड रॉक स्ट्रक्चर डेट फॉल्स ऑन द स्ट्राइक, इसको हम डिप कहते हैं। डिप का हमेशा एंगल होता है, और स्ट्राइक जो होती है वो एक हॉरिजॉन्टल रॉक बेड्स है जिसका हमेशा डायरेक्शन होता है। तो किसी भी रॉक ब्लॉक के अंदर आपको दिख रहा है कि 60 डिग्री नॉर्थ, यानी कि अगर किसी रॉक ब्लॉक में अगर फोल्डिंग भी हो रही है, इवन फॉल्टिंग भी हो रही है, और वहां पे ये लिखा हुआ है 60 डिग्री नॉर्थ, तो इसका मतलब ये है कि डिप एंगल है 60 डिग्री और डायरेक्शन है नॉर्थ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा एक दो टर्म और हैं, जैसे एंटी क्लैनोरियम और सिंक क्लैनोरियम। जब भी दोस्तों किसी एक फोल्ड के अंदर, ये एक फोल्ड है, ये एक एंटीक्लाइन है और ये एक सिंक्लाइन है, जब भी किसी बड़े एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के अंदर आपको छोटे 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 एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बड़े एक्सटेंसिव, एक वन एक्सटेंसिव एंटीक्लाइन के अंदर जब आपको छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन देखने को मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटीक्लाइनोरियम। और जब सिंक्लाइनोरियम भी वही है, जब एक बहुत बड़े एक्सटेंसिव सिंक्लाइन के अंदर आपको छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन देखने को मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिंक्लाइनोरियम। ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव सिंक्लाइन है जिसमें आपको छोटे छोटे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, तो ये बना सिंक्लाइनोरियम। ये है एंटीक्लाइन, ये है क्रेस्टनुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको छोटे छोटे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, तो ये बना एंटीक्लाइनोरियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बड़े एंटीक्लाइन के अंदर जब छोटे छोटे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन है तो वो बना एंटीक्लाइन, एक बड़े सिंक्लाइन के अंदर अगर आपको छोटे छोटे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को मिल रहे हैं तो वो बना सिंक्लाइनोरियम। ठीक है, ये दोनों ही एग्जाम्पल है फैन फोल्ड के। फैन फोल्ड मतलब ये फैन नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप देखेंगे चाइनीज फैन जैसा होता है, इस तरह का एक फैन फोल्ड बनाते हैं। ये बार आपको ध्यान रखना है। अब ये एक और एक पॉइंट देख लेते हैं कि भाई एंटीक्लाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिप एंगल। जेंटल एंटीक्लाइन वो होंगे दोस्तों जहां पर डिप एंगल होगा लेस देन 40, यानी कि ये जो डिप एंगल होता है, यानी कि जो डिप एंगल है वो लेस देन 40 है। स्टीप एंटीक्लाइन वो होंगे जहां पर डिप एंगल 40 से 90 के बीच में होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमने देखा है फोल्ड्स के बारे में, कुछ टर्म्स पढ़े, जैसे हमने एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। एंटीक्लाइन जो होता है वो अपफोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और सिंक्लाइन जो होता है वो डाउनफोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये अपफोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर और ये डाउनफोल्डेड रॉक स्ट्रक्चर, डिफरेंस ट्रैक आप जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिप को हमेशा क्लाइनोमीटर से मेजर किया जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि भी डिप को कैसे मेजर किया जाता है, इसको क्लाइनोमीटर से मेजर किया जाता है। और अगर आपको किसी फोल्डेड या इवन फॉल्टेड रॉक स्ट्रक्चर के अंदर 60 डिग्री नॉर्थ अगर आपको दिख जाए, तो मतलब ये है कि उसका डिप एंगल है 60 डिग्री और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ। इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड के बारे में। ठीक है, तो जिस तरह से हमने फॉल्ट के टाइप्स देखे थे, वहां भी मैंने बात की थी कि हमेशा फोल्डिंग फॉल्टिंग डिपेंड करती है रॉक्स के नेचर पे। तो नेचर ऑफ रॉक्स जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नेचर ऑफ रॉक्स, इनकी इंटेंसिटी, रॉक्स कितनी इलास्टिक है, कितनी नॉन इलास्टिक है। तो हमेशा मोर इलास्टिक रॉक्स होगी वहां पे आपको इंटेंस फोल्डिंग देखने को मिलेगी, और रिजिड रॉक्स के अंदर आपको मॉडरेटली फोल्डेड एक्टिविटी देखने को मिल रही। और रिजिड रॉक्स के अंदर हमेशा आपको दोस्तों फॉल्ट देखने को मिलते हैं, और सॉफ्ट रॉक्स के अंदर आपको हमेशा फोल्ड देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है कि सॉफ्ट रॉक्स जो होंगी वो बहुत ईजिली फोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, हार्ड रॉक जो होंगी वो फोल्ड नहीं हो सकती, इसलिए वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा और वहां पर आपको फॉल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लिम्ब्स। लिम्ब वही है जो फोल्ड के जो हाथ होते हैं, ठीक है, ये जो ये और ये इसके जो है, ये इसके लिम्ब है, ये इसके हाथ है। तो इसके एंगल पे, इसके इंक्लिनेशन के आधार पर बहुत सारे फोल्ड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल मतलब जहां पर सिमेट्री देखने को मिल रही है, यानी कि दोनों ही लिम्ब ये और ये सिमेट्री है, एक सिमेट्री है और दोनों के डिप एंगल जो है लिम्ब के वो सेम है, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड, जहां पर आपको एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल फोल्ड, जहां पर आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। और ये एक एग्जांपल है ओपन फोल्ड का। ओपन फोल्ड क्या है, मैं आपको भी बताऊंगा। ए सिमेट्रिक फोल्ड दोस्तों वो होते हैं जहां पर इररेगुलर लिम्स हैं, यानी कि जो दो हाथ हैं किसी फोल्ड के वो इररेगुलर हैं। एक हाथ जो है वो बड़ा है, उसका एंगल थोड़ा सा मॉडरेट है, एक हाथ छोटा है उसका एंगल थोड़ा सा स्टीप है। वन इज लार्जर, इसका एंगल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, दूसरा जो है वो स्टीप है, उसको हम ए सिमेट्रिक कहेंगे। ये आप देखेंगे, ये जो लिम्ब है इसका, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा, ये बनेगा, तो ये एक एसिमेट्रिकल फोल्ड है। सिमेट्रिकल फोल्ड जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप यहां नहीं देख पा रहे तो उसको मैं यहां बनाता हूं। ये हो गया एक एसिमेट्रिकल फोल्ड और ये हो गया एक सिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि और भी हम बनाएंगे यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम मोनोक्लाइनल फोल्ड के बारे में। मोनोक्लाइनल फोल्ड वो होता है दोस्तों जहां पर एक लिम्फ छोटा होता है और एक लिम्फ बड़ा होता है। लेकिन खासियत इसके अंदर यह है कि ये फोल्ड इस तरह से बनेगा कि दूसरा जो फोल्ड होगा वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होगा, यानी कि उसका जो एंगल बनेगा वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री का बन जाता है। यानी कि इस तरह का फोल्ड जहां पर एक जो लिम्ब है, एक हाथ जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल खड़ा है और एक 90 डिग्री बना रहा है, उसको हम कहते हैं मोनोक्लाइनल फोल्ड। जो आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक ऑलमोस्ट वर्टिकल है, आप देख सकते हैं, तो ये एक मोनोक्लाइनल फोल्ड है। आइसोक्लाइनल फोल्ड दोस्तों वो होते हैं जहां पर दोनों ही फोल्ड यानी कि दोनों ही हाथ जो होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं, लेकिन वो अभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं है। यानी कि अगर कुछ इस तरह का मैं अगर फोल्ड बनाता हूं तो ये एक आइसोक्लाइनल है, दोनों पैरेलल है, आप देख सकते हैं दोनों पैरेलल है, लेकिन ये अभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल रॉक बेड है। इस तरह के फोल्ड को जहां पर दोनों ही हाथ किसी फोल्ड के पैरेलल है लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो होंगे आइसोक्लाइनल। और रिकमेंड फोल्ड वो होंगे दोस्तों जहां पर दोनों ही लिम्फ पैरेलल भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे रिकम्बेंट फोल्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये रहा, अगर मैं बनाऊं इस तरह का फोल्ड, अगर मैं बनाता हूं पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया है ये, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूं, पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल, ये देखेंगे ये पैरेलल भी है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो गया है। तो इस तरह के फोल्ड को हम कहते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, क्लियर। एसिमेट्रिक मतलब जहां पे सिमेट्री देखने को मिल रही है, सिमेट्रिकल मतलब जहां पे सिमेट्री देखने को मिल रही है, एसिमेट्रिक मतलब जहां पे सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही, एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, ठीक है। उसके बाद मोनोक्लाइनल मतलब एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, लेकिन एक फोल्ड जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 डिग्री पे आ गया है, उसको हम कहेंगे मोनोक्लाइनल फोल्ड। आइसोक्लाइनल फोल्ड वो होते हैं जहां पर दोनों ही जो हाथ हैं फोल्ड के वो पैरेलल है लेकिन अभी वर्टिकल नहीं, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं हुए हैं, और रिकमेंड में वो दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल भी हो जाएंगे। ये इसके डायग्राम है, आप देख सकते हैं, पहला जो है ये सिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है, उसके बाद ये है मोनोक्लाइनल, ये है आइसोक्लाइनल और ये है हमारा रिकमेंड। इसके अलावा फैन फोल्ड मैंने आपको भी बताया, एंटी क्लाइनोरियम और सिंक क्लाइनोरियम को ही एक फैन फोल्ड कहा जाता है। एक बहुत बड़े एंटीक्लाइन के अंदर अगर आपको छोटे छोटे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को मिल रहे हैं तो वो होता है एंटीक्लाइनोरियम, और एक बहुत बड़े एंटी सिंक्लाइन के अंदर अगर आपको छोटे छोटे एंटीक्लाइन सिंक्लाइन देखने को मिलते हैं तो वो होता है सिंक क्लाइनोरियम। दोनों ही एग्जाम्पल है फैन फोल्ड के, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन फोल्ड एंड क्लोज फोल्ड के बारे में। तो एक ओपन फोल्ड वो होता है दोस्तों जहां पर दो लिम्ब के बीच में, यानी कि दो लिम्ब के बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, यानी कि मोर देन 90 बट लेस देन 180, ये है एक ओपन फोल्ड। आप देखेंगे ये लिम्फ और ये लिम्फ के बीच में एक आपको ऑब्ट्यूस एंगल देखने को मिलेगा, ये एंगल ग्रेटर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है, उसको हम कहेंगे ओपन फोल्ड। यानी कि एक ऐसा फोल्ड जहां पे दो हाथों के बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल देखने को मिल रहा है वो होता है ओपन फोल्ड। एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट हैंड साइड में आपको सेव के लगा दिए जाएंगे फोल्ड के नाम, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आपको लगा दिए जाएंगे फोल्ड के नाम, राइट हैंड साइड में आपको उसके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इवन एंगल भी दे दिया जा सकता है आपको। तो मोनोक्लाइनल के अंदर एसोसिएटेड है 90 डिग्री, ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर आ जाएगा आपका, सॉरी ओपन फोल्ड के अंदर आपका आ जाएगा ऑप्टिक्स एंगल, क्लोज फोल्ड के अंदर आपका आ जाएगा एक्यूट एंगल। तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको इस तरह से भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो क्लोज फोल्ड क्या होंगे दोस्तों, दो लिम्ब के बीच में, एक सेकेंड, दो लिम्ब के बीच में जब एक एक्यूट एंगल हमें देखने को मिलता है, यानी कि 0 to 90 के बीच में अगर एंगल हमें देखने को मिलता है तो उसे हम क्लोज फोल्ड कहते हैं। ये दो फोल्ड है, इसका ये एक लिम्ब है, ये दूसरा लिम्ब है,
ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम अगर आपको एक्यूट एंगल देखने को मिल रहा है, यानी कि एंगल जो है वो 0 टू 90 के बीच में है, इवन लेस देन 90, तो उसको हम कहेंगे क्लोज फोल्ड। दो एक ऐसा फोल्ड जिसके दो लिम्ब के बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल देखने को मिल रहा है, या दैट इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180, तो उसको हम कहेंगे ओपन फोल्ड। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टाइप्स ऑफ फोल्ड हमने देख लिए हैं। हमने देखा है सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, रिकम्बेंट, फैन फोल्ड एंड ओपन फोल्ड। एसिमेट्रिकल जहां पे सिमेट्री है दोनों हाथों में, सॉरी सिमेट्रिकल मतलब जहां पे दोनों सिमेट्री हाथों में, एसिमेट्रिकल जहां पे सिमेट्री नहीं है, मोनोक्लाइनल मतलब जहां पे एक लिम्फ जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, आइसोक्लाइनल मतलब दोनों पैरेलल हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं है, रिकम्बेंट मतलब दोनों पैरेलल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। फैन फोल्ड हम जानते हैं बहुत बड़े एंटीक्लाइन के बीच में जब आपको छोटे 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 एंटीक्लाइन सिक्लाइन देखने को मिलते हैं तो वो फैन फोल्ड होते हैं। ओपन फोल्ड मतलब जब एक फोल्ड के अंदर एक दो लिम्फ के बीच का जो एंगल है वो है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, तो वो होगा ओपन फोल्ड। और क्लोज फोल्ड वो होगा जब दो लिम्फ के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो वो बनेगा क्लोज फोल्ड। तो ये हमने पढ़ लिए हैं फोल्ड्स के भी टाइप, ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, मेरा आपको कोड नहीं भूलना है SMNET, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो मंथली फी हो जाएगी वो 472 रुपीस हो जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, बने रहिए चैनल के साथ, मेरे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियोस सारे फ्री हैं और आप हमारे चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, MCQs हम डिस्कस करेंगे दूसरे चैनल के अंदर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।